नमस्कार दोस्तों, डीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लिए चल रहा हूँ जयपुर के जंतर मंतर पर। दोस्तों इस वीडियो में आपको ज़बरदस्त और कमाल की जानकारी मिलने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएँ, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो मिलते रहें। दोस्तों जंतर मंत्र का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1724 से 1734 के बीच में निर्मित कराया गया था। यह खगोली वेधशाला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इस वेधशाला में 14 यंत्र हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौरमंडल के ग्रहों के दिक्पात जानने आदि में सहायक है। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित एवं खगोल के जटिल संकल्पनाओं का कितना गहन ज्ञान था। वे इन संकल्पनाओं को एक शैक्षणिक वेधशाला का रूप दे सकें ताकि कोई भी उन्हें जान सके और उसका आनंद ले सके। जयपुर में पुराने राजमहल चंद्रमहल से जुड़ी एक आश्चर्यजनक मध्यकालीन उपलब्धि है। जंतर मंत्र प्राचीन खगोली यंत्रों और जटिल गणितीय संरचनाओं के माध्यम से ज्योतिषीय और खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह वेधशाला का निर्माण जयपुर नगर के संस्थापक आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज में सम्मानपूर्वक इस जंतर मंत्र महल की बढ़ाई की है। सवाई जय सिंह ने इस वेधशाला के निर्माण से पहले विश्व के कई देशों में अपने सांस्कृतिक दूत भेजकर वहां से खगोली विज्ञान के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों की पांडुलिपियां मंगवाई थीं और उन्हें अपने पुस्तकालय में संरक्षित कर रखा गया था। बाद में उनका अनुवाद भी करवाया था। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र में आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ये वेधशालाएँ जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बनवाई गई थीं। इन वेधशालाओं के निर्माण में उन्होंने उस समय के प्रख्यात खगोल शास्त्रियों की मदद ली थी। सबसे पहले महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने उज्जैन में सम्राट यंत्र का निर्माण करवाया। उसके बाद दिल्ली स्थित वेधशाला जंतर मंत्र और उसके 10 वर्षों बाद जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था। देश की सभी 5 वेधशालाओं में जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। इस वेधशाला के निर्माण के लिए 1724 में कार्य प्रारंभ किया गया और 1734 में यह निर्माण कार्य पूरा हुआ था। बाकी जंतर मंत्रों में जो वेधशालाएँ हैं उनमें आज वर्तमान में सभी में यही वेधशाला श्रेष्ठ और अभी वर्तमान में चालू है। शिल्प और यंत्रों की दृष्टि से भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित इन वेधशालाओं में आज दिल्ली जयपुर के जंतर मंत्र शेष बचे हैं, बाकी काल के गाल में समा चुके हैं। इन वेधशालाओं से इस वेधशाला में खड़े किए गए यंत्रों में सम्राट जयप्रकाश और राम यंत्र भी हैं, जिनमें से सम्राट यंत्र सबसे बड़ा, जिसका उपयोग वायु परीक्षण के लिए किया जाता है। सम्राट यंत्र की ऊंचाई 140 फीट है, जिसके ऊपरी सिरे पर आकाशीय ध्रुव को इंगित किया गया है। साथ ही इस पर समय बताने के लिए निशान बनाए गए हैं, जो आज भी घंटे, मिनट और चौथाई मिनट तक की सटीक जानकारी देते हैं। जंतर मंत्र में स्थित यंत्र आज भी सही सलामत अवस्था में हैं, जिनके द्वारा हर साल वर्षा का पूर्वाभास तथा मौसम संबंधी जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। मुख्य रूप से यंत्रों के सही सलामत होने के कारण ही यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर की वेधशाला का निर्माण करवाने से पहले विभिन्न देशों में अपनी शांति दूत भेजे और वहाँ से खगोली शास्त्र पांडुलिपियाँ मंगवाएं। जयपुर की वेधशाला में उपस्थित यंत्रों के द्वारा की गई गणनाओं के आधार पर आज भी यहाँ का पंचांग तैयार किया जाता है। दोस्तों
अभी आपने जयपुर की यंत्र मंत्र का वीडियो देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो मिलते रहें। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।